यहोवा तुहाडे लई अपना चंगा आकाश रूपी भंडार खोलेगा। हालेलुया। परमेश्वर साडे लई की खोलना चाहुंदा वा? आकाश रूपी भंडार, स्वर्ग दीआं खिड़कीआं खोलना चाहुंदा वा। जदों असीं 10% परमेश्वर लई बोलदे आं, वह अपना आकाश रूपी भंडार की करता साडे लई खोल दिंदा। वचन दे विच तुसीं हुणे सुनिया इसाक दे बारे कि इसाक ने बोया उस समय, और जिस समय उन्हें बोया उस साल विच उन्हें वढ़ लिया 100 गुणा। इहदा मतलब उन्हें 10% बोया तो 100 गुणा वढ़ लिया। और जिस इलाके दे विच ओह जॉब कर रहा सी, कारोबार कर रहा सी, व्यापार कर रहा सी, उत्थों के राजे नालों में की हो गया, वो अमीर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उत्थे जाएंगे साथ से बारे पढ़ेंगे। इसहाक उस धरती विच बी बीजिया, और इसहाक ने उस धरती विच बी बोया, और उसे साल 100 गुणा प्राप्त कीता, और उसे साल में 100 गुणा वड्या, अते यहोवा उसनु बरकत दिती, और यहोवा ने उनु की दिती बरकत दिती। आज के नहीं जाने चाहते हैं कि सानू बरकत आ सके, तो ये नहीं चाहते कि नहीं जाने चाहते हैं कि सानू बरकत मिले। कहना सानू की करना सानू अपना 10% बोना कर, फिर सानू की मिलनी है परमेश्वर के कोलों बरकत मिलनी है, आशीष मिलनी है, फिर साढ़े रस्ते खुलने हैं, अच्छे कारोबार के रस्ते खुलने हैं, जॉब के रस्ते खुलने हैं, बाहर जान वास्ते रस्ते खुलने हैं, फिर परमेश्वर ने सानू ब्लेस करना, आशीष करना। हालेलुया। पढ़ांगे जी, सो मनुख वध गया, और वो मनुख वधदा गया, अते वधदा चला गया, और वधदा चला गया, और वो अत वड्डा हो गया, और बहुत ज्यादा अमीर हो गया। वेखो साडा बोना सानू की करदा वा? वधदा गया, अत वड्डा हो गया। जब की गरीबी का शराब उस जिंदगी चला गया, तुसी चाहते हो कि तुहाडे बच्चे अच्छी जॉब ते लग जाए, अच्छे कारोबार ते लग जाए, अच्छा बिजनेस उन्हों का हो जाए, अच्छा कारोबार उन्हों का हो जाए, पहले तुसी सीखना पड़ना, फिर बच्चे नु सिखाना। और कलाम के विच लिखा हुआ इन्ना उच्चा हो गया, पढ़ांगे, ताऊ पेटा बकरियां और गायां बलदा और बहुत सारे टहलुआं दा मालिक हो गया। और कलाम के विच लिखा कि बहुत सारियां पेटा बकरियां और गायां बलदा दा की हो गया? मालिक हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भी चाहता वा कि तुहाडा अपना घर होवे, तुहाडी अपनी जमीन होवे, तुहाडी अपनी जायदाद होवे, तुसी उहदे की हो? मालिक हो। परमेश्वर चाहता वा, परमेश्वर तुहानू गरीबी रेखा दे विच नहीं रखना चाहता, तुहानू एक लैवल देना चाहता, उच्चा लैवल। और कलाम के विच लिखिया व्यवस्था 28 विच तुसी रीज नाल की करनी है, उहदी आवाज सुननी है, परमेश्वर दी की आवाज है मेरी जिंदगी च, परमेश्वर दी की बुलाहट है मेरी जिंदगी विच, की परमेश्वर चाहुंदा है। जदों तुसी मन ला के उहदी आवाज सुनोगे ते दुनिया दे श्रेष्ठ इंसान बनोगे। की बनोगे? दुनिया दे श्रेष्ठ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ांगे, अते फिलिस्ती उसको सड़न लगे, और उस समय दे ओ राजे दे जेड़े टहलुए सन, नौकर चाकर सन, ओ की कर लग पे, ओदे नाल जैलसी कर लग पे कि एक व्यापार करन वास्ते आया मनुख साडे तो की हो गया वा?
अत उच्चा हो गया, अत उच्चा लिखा कि अत अमीर हो गया, बहुत ज्यादा। परमेश्वर ने उन्हें आशीष किया, यहोवा ने उन्हें की किया, उसके कारोबार में इतना वधा दिता, इतना आशीष कर दिता। आज तुसी कारोबार खोलते हो तो महीना या दस दिन या छह महीने चलता, तुसी कहते नहीं ये कारोबार के विच मैनूं कोई तरक्की नहीं मिलती, इस कारोबार के विच मैं वध नहीं पा रहा, उहदा कसूर तुहाडा अपना, वो गलती तुहाडी अपनी है कि तुसी बो नहीं रहे। जो तुसी बोना शुरू करोगे कोई भी काम पावे, तुसी फ्रूट का खोलो, रेड़ियां का खोलो, किसी भी तरह का काम, जॉब खोलो, उदे विच जिस समय तुसी बोना शुरू होगे यहोवा वालों तुहानू की मिलेगी, बरकत मिलेगी, परमेश्वर वालों तुहानू आशीष मिलेगी, फिर वेखियो तुहाडा काम दिनों दे विच वधदा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अज असी बोलने तो फिर वडन की भी आस नहीं करते, परमेश्वर उस साल ब्लैस किया वधाया। पढ़ांगे, और सारे कुहां नूं जिहड़े उसके पिता दे टहलुआ ने उसके पिता अब्राहम के दिनों में पुट्टे सन, फिलिस्तीआं ने बंद किए। हालेलुया। और उस समय फिलिस्ती लोगों ने की किया, बहुत ज्यादा इसाक का विरोध किया। और फिर उठे आ जाएंगे व्यवस्था सार 15 बाब विच जितों पढ़ रहे थे असीं, और कलाम दे विच लिखिया तुहाडे विचों कोई गरीब ना रहेगा, क्यों जो यहोवा तुहानूं उस धरती विच बरकत देवेगा। और जिस तरह ने इसाक नूं एक धरती दित्ती, जमीन दिखाई, उठे उन्हें किन्नी बरकत आशीष दित्ती, वो अत उच्चा अमीर हो गया। हाँ जी, पढ़ांगे कि जिहड़े यहोवा तुहाडा परमेश्वर तुहानूं कब्जा करके मिल्क विच देण वाला है, और यहोवा की करेगा तुहानूं और चंगी जमीन देवेगा, और तुसी उत्ते की करोगे कब्जा करोगे। जे केवल तुसी मन ला के यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज सुनो, हुण तुसी की करना वा, मन ला के परमेश्वर की आवाज सुननी आ कि परमेश्वर की चाहते ने मेरी जिंदगी विच, मन ला के परमेश्वर की आवाज नूं सुनना वा। मन ला के असी प्रार्थना नहीं कभी कीती, प्रार्थना दिल तो रीज नाम नाम। हाँ जी, अते इस सारे हुक्मनामे नु पूरा करन दी पालना करो, और इस हुक्म नु की करो अपनी जिंदगी दे विच पूरा करो, जेड़ा मैं अज तुहानू दिंदा हां, और जेड़ा अज तुहानू ए हुक्म दे रिहा परमेश्वर दा वचन, इस वचन नु अपनी जिंदगी विच फॉलो करना, अगे वधण दा तरीका ही यही है, अमीर होण दा यही तरीका है। जे तुसीं चाहुंदे हो कि साडा अच्छा कारोबार घर बण जाए, ते यही तरीका जे वधण दा, जिस तरह परमेश्वर ने इसाक नूं वधाया, ओह तुहानूं वी वधाउण दी समर्थ रखदा है, तुहानूं वी आशीष करन दी समर्थ रखदा है परमेश्वर। हालेलुया। पढ़ांगे, क्यों जो यहोवा तुहाडा परमेश्वर, यहोवा तुहाडा परमेश्वर, जिवें उस तुहाडे नाल वचन कीता, यहोवा ने साडे नाल की कीता, वचन कीता, वादा कीता, तुहानूं बरकत देवेगा, ओह तुहानूं की देवेगा, बहुत सारी बरकत आशीष देवेगा, तुसीं बहुतियां कौमां नूं कर्ज दोगे, और कलाम दे विच लिखिया तुसीं बहुतियां कौमां नूं की दोगे, कर्ज दोगे। पर अज वेखो अपने जीवन विच अज किन्ने जाने कर्जे दे हेठां, कलाम की कह रहे हैं तुसी बहुतियां कौमां नूं की दोगे, कर्ज दोगे। पर अज वेखो अपने जीवन विच झाती मार के जिन्ना मसीह लोग कर्जे थले ने, क्रिश्चियन लोग कर्जे थले ने, उन्ना कोई भी नहीं। सही के गलत है, पढ़ांगे, पर तुसी कर्ज ना लोगे, और कलाम दे विच लिखिया तुसी कर्जा नहीं लोगे,
और पढ़ांगे व्यवस्था साहब 28 बाप होगी 13 है पढ़ांगे यहोवा तुहानू सिर ठहरावेगा और कलाम दे विच लिखिया परमेश्वर ने तुहानू सिर ठहराया वा यानी कि परमेश्वर तुहानू उच्चा ठहराना चाहुंदा वा उच्चे करना चाहुंदा तुहाडे लेवल नू वधाउणा चाहुंदे ने मैं इत्थे जिस समय प्रेयर कर रहा है परमेश्वर आंदा मैं तेनू वधाउण वास्ते जा रहा मैं तेनू वधाउण वास्ते तू चिंता नहीं करनी सिर्फ प्रार्थना ही करनी है हालेलुया मेनू विश्वास है इत्थे अनगिनत लोक होणे आउण वाले दिनां विच इन्हां दिनां दे विच तुसीं अनगिनत लोकां नूं वेखोगे इस पवन दे हालेलुया सिर्फ मन ला के मैं उहदी आवाज सुणदा हां प्रार्थना करदा वफादारी दे नाल अपना बीज बोलदा और कलाम तुहानू भी कह रहा है कि तुसी अपना 10% परमेश्वर दे लई देना दास नूं नहीं देना तुसी ना चर्च नूं देना सिर्फ तुसी परमेश्वर नूं देना और उहदा तुहानू की मिलना वा वापस मिलना वा 10 गुणा नहीं 20 गुणा नहीं पूरा 100 गुणा वापस मोड़दा परमेश्वर हालेलुया जिस तरह उन्हें इस साग ने बोया ते 100 गुणा उस साल उन्हें वड्या परमेश्वर नहीं दे रखदा है परमेश्वर कदे भी रखदा नहीं किसे दा वो वापस दिंदा उन्हें जेड़े बोलदे ने उन्हां नूं वापस दिंदे ने परमेश्वर दे दास ताई ज्यादा आशीष हुंदे ने ताई ओह अमीर हो जांदे ने ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 10, 50, 100 ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਾਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ 10% ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ फिर वेखो वधदे जाओगे आशीष हुंदे जाओगे ते अगर तुसी घर ही खाई जाओगे ते ओ बीमारियां ते जाने आ ओ डॉक्टरां दे कोल जाने आ ओ बीमारी ते लगदे जांदे दिनों दिन देखो कलाम दे विच लिखिया ना मन्नोगे ते की आ जांदियां बीमारियां आ जांदियां रसौलियां पत्थरियां कैंसर बवासीर ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਦਰੀ ਖੁੜਕ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ ਸਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਜਾ ਵਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜੀਓ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਆ ਰਾਜਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਏ ਕੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰਜੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰੀਤ ਨਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਮੰਨੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਤੀ ਰਸੂਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਏਗਾ ਪਰ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ
परमेश्वर को उस नहीं बनाना चाहता। परमेश्वर चाहता नहीं कि तुसी इस तरह हाथ रखो, परमेश्वर चाहता कि तुसी इस तरह बोलने वाले हो, तुसी हाथ करने वाले नहीं बल्कि बोलने वाले बनाना चाहता। परमेश्वर वंडन वाले बनाना चाहता, कहता तुसी कर्जा लोगे नहीं बल्कि कर्जा वंडोगे। कलाम दे विच लिखिया परमेश्वर चाहता कि तुसी दूसरे वंडन वाले बनो के लैन वाले बनो। अगर तुम चाहते हो कि असि कर्जा वंडन वाले बनना, कि अपने बच्चों लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दियो, अपने पति के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दियो। खुदावंदा तेरे वचन लिखा वा कि गरीबी साढ़े घर का हिस्सा नहीं है, बीमारी साढ़े शरीर का हिस्सा नहीं है। साढ़े घर के गरीबी जाए, गरीबी वाला आत्मा जाए, बीमारी वाला आत्मा जाए, बेरोजगारी वाला आत्मा जाए। तुम कमांड करना वा, तुम ओनू कटना अपने घर के। पर जिस समय तुसी कमांड नहीं करते, तुसी फिर ठा होना शुरू हो जाते, टिकना शुरू हो जाते, होर तुहाडा लैवल टिकना शुरू हो जाता। जदों तुसी मन ला के परमेश्वर दे कोलो ये चीजा मंगोगे कि साडे घर नूं खुशहाल कर, साडे घर नूं वधा मेरे महान परमेश्वर। तुसी अब्राहम नूं वधाया जायदाद विच, अंशा विच, कारोबार दे विच, इन्ना उहनूं ब्लेस कीता, उहनूं प्रेयरफुल बंदा बनाया, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਚੰਗੀ ਗਰੋਥ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਰਾਪ ਜਾਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਰਾਪ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ, ਅੱਛੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਿਸ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਜੂਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਆਸ਼ੀਸ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਫਰੂਟਫੁੱਲ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਅਮੀਰ ਬਣ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਅੱਛੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੂਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਛ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹੋ? ਤੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਾਕ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਆਸਿਸ ਦਿੱਤੀ, ਵਧਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ 9 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰੀ ਆ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਈ ਹਰੇਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਹਰੇਕ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਭਲਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਉਚਿਤ ਸਮਝੀ। ਔਰ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਉਚਿਤ ਸਮਝੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਦਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਲੀਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲੀਸਿਆ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਆ
और बहुते विच लिखी होगा। और इतने की कह रहा पढ़ेंगे परमेश्वर के दास ने आना वा उसको इना टाइम नहीं आ बीज नहीं होगा तो दास दूसरे नगर में जा नहीं सकता कि जा सकता मोटरसाइकिल होगा तो जाएगा सही है कि गलत है। और उस समय कलीसिया की करते सी उदी उड़ी करते सी कि आज परमेश्वर के दास ने इतने लांगना वा हाँ जी सही हो खुल दिली दे दान वर्गा तैयार रहे और अदा जिरा तोड़ा दान है खुले दिल वाला दान होना चाहिए दा बदू गिरे वाला नहीं और कलाम के विच लिखिया जरा वंडदा ओदा मुकदा भी पढ़ेंगे ना बतोगिरी दे दान वर्गा ना बतोगिरी दे दान वर्गा पर गल ए है पई जेड़ा कट बीजदा है और कलाम के विच लिखिया जरा कट बीजदा ओ कट वटेगा जेड़ा बहुता बीजेगा ओ बहुत वटेगा इसाक ने बीजिया ते 100 गुना वटिया आज तुसी दसो कि असी किस तरह बीजना तरक्की कर दे चाहते हो तरक्की करना किन्ने जने चाहते ने कि साडे बच्चे तरक्की कर असी तरक्की करिए साडा लेवल वधे जितने सुलेमान दे समय दाऊद ने बोया ते सुलेमान ने वड्या और उहदे राज विच इन्नी अमीरी सी कि किसी भी चीज की थोड़ नहीं आई सुलेमान बोया किन्ने बोया दाऊद ने उहदे अगर आज तुसी बोंदे हो ते तुसी अपने वास्ते नहीं बो रहे मैं जो बोलना वा मैं अपने वास्ते नहीं बोलता मैं अपने बच्चे दे भविष्य वास्ते बोल रहा हूं अगर तुसी बोंदे हो ते तुसी अपने बच्चे दे भविष्य वास्ते बोलदे हो हालेलुया 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 मैं अपने बच्चे दे फ्यूचर वास्ते बोल दिना कि मेरे बच्चे का फ्यूचर मेरे तो भी बेस्ट होए अगर तुसी चाहते हो कि तुहाडे बच्चे का फ्यूचर तुहाडे तो बेस्ट होए तो तुसी की करना वा अपने बच्चे लिए गाना वा जे अज तुसी अनाज्ञाकार हो तो तुहाडे बच्चे भी अनाज्ञाकार वो भी तुहाडे कहने विच नहीं क्योंकि तुसी परमेश्वर के कहने विच नहीं तो तुहाडे बच्चे तुहाडे कहने विच नहीं और कलाम कहता कि मन ला के तुसी की करने हैं मेरी आवाज नु सुनना मन ला के फिर वेखो तुसी सराफा नु अपने घर अंदर बाहर जांदे वेखोगे बीमारियां दे सराफ नु गरीबी दे सराफ नु बेरोजगारी दे सराफ नु अपने जीवना विचों जांदे वेखोगे आई अपने हथ खोलते हुए परमेश्वर दा